बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह हमसे सब ठीक ठाक होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल चना और दाल माश, जिसके लिए हमने ली है दाल चना एक पाव और दाल माश, ये भी हमारे पास एक पाव है। इसके अलावा हमारे पास है एक बड़ी साइज़ की प्याज, इसको हमने चॉप कर लिया है। इसके बाद हमारे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास ये मेथी और थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए चाट मसाला है। टमाटर हमने लिया है एक भी बड़ी साइज़ का और दो अदद सब्ज मिर्चें। इसके अलावा हमारे पास 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सरफ मिर्चें, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून गर्म मसाला मसाला पाउडर और उसके अलावा 1 टीस्पून और हमारे पास चाट मसाला है, खुश्क धनिया पाउडर। सबसे पहले हम ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल आप अपनी चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करें। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट और चॉप किए हुए प्याज को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके अलावा तमाम मसाला जात जिसकी मैंने क्वांटिटी आपसे शेयर किया है, वो तमाम मसाला जात इसमें ऐड करेंगे। मेथी और चाट मसाला, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे। जैसा कि वैसे आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब हम इसमें दाल चना ऐड करेंगे। दाल चना हम पहले इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि दाल माश होती है वो बहुत जल्दी हमारी बन जाती है, इस वजह से पहले दाल चना ऐड करके इसको अच्छे से भूनेंगे। दोनों दालें हम इकट्ठी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करें। दाल चना ऐड करने के बाद हम इसको प्रेशर में लगा देंगे ताकि हमारी अच्छे से पक जाए दाल चना, क्योंकि ये जैसा कि आपको पहले मालूम है कि ये प्रेशर के बगैर दाल चना रेडी नहीं होती, इस वजह से हम इसको प्रेशर लगा लेंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी दाल चना माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें दाल माश ऐड करेंगे और इसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि ये दाल चना में अच्छे से एडजस्ट हो सके। जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मकदार में पानी है, इसी पानी में ही दाल माश ऐड करेंगे और इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी दाल चना और दाल माश रेडी हो चुकी है। हर लास्ट में मैं फिर यही चीज़ कहूँगी जो कि हर वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर अवर वीडियो।